बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बड़े संशोधन किए गए हैं कि जो भी व्यक्ति पहली बार शराब पीते पकड़े जाएंगे उनको 2 से 5 हज़ार रुपये जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। वहीं जिस तरीके से बिहार में लगातार अपराध बढ़ रही है उसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि शराबबंदी में जो ये संशोधन हुआ है वो सरकार का दूरगामी फैसला है और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने 2005 से पहले के बिहार और 2005 के बाद के बिहार को तुलना कर दिया और कहा कि 2005 से बाद का बिहार जो है उसकी कानून व्यवस्था काफ़ी बेहतर है पहले के बिहार से। और क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल विपक्ष पर हमला बोलते हुए और शराबबंदी कानून के संशोधन को सही ठहराते हुए, आप वो सुने। परिणाम दिख रहा था और अब जुर्माना लगाकर छोड़ने से एक तरह से ये भी संदेश गया है कि पीने वालों पर अब कोई ऐसी बात नहीं है, सभी पर सख्त कार्रवाई होगी। पहली बार में ही इस तरह के जुर्माने का प्रावधान है लेकिन जो आदतन है उनके खिलाफ सरकार के कार्रवाई बिल्कुल साफ है। बिहार में कानून व्यवस्था में और 2005 के पुरानी कानून व्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो अपराध करते हैं वह पकड़े जाते हैं और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरूर इसका संज्ञान लिया है और यही कारण है कि लगातार ADG और DGP थानों का दौरा कर रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ तुरंत दिखेगा। तो आपने सुना संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि शराबबंदी कानून में जो संशोधन हुआ है वो काफ़ी सही है क्योंकि जो संशोधन नहीं था तो उस शराबबंदी कानून में काफ़ी मासूम लोग भी फंस जाते थे। वहीं बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि बिहार के DGP सारे थानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और जिससे अपराधियों में हड़कंप मच गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एज न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एज न्यूज़।